आज के इस वीडियो में हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में रिलेशन क्या होता है उस रिलेशन को हम पता करेंगे। देखिए, इससे पहले हमने एक वीडियो में जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे भी बात किया है और साथ ही साथ हमने एक वीडियो में जो है इलेक्ट्रिक करंट पे भी बात किया है। तो अगर आपने इन दोनों ही वीडियो को देख लिया है तो बहुत बढ़िया, और अगर आपने जो है इन दोनों ही वीडियो को नहीं देखा है तो मैं इन दोनों ही वीडियो का लिंक यहां सजेस्टेड वीडियोज में डाल रहा हूं, यहां से हो सके तो आप क्लिक करके देख लें। और इन दोनों ही वीडियो को देखने के बाद जो है आप इस वीडियो पर आए तो ही आपको चीजें बेहतर समझ में आएंगी। तो अब इन दोनों के बीच में रिलेशन को पता करने के लिए हम ये मान लेते हैं कि यहां पर ये एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर का ये जो लेंथ है, ये हमने मान लिया कि इस कंडक्टर का ये जो लेंथ है, ये लेंथ है यहां पर एल, और इसका ये जो आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया दिख रहा है ये हमने मान लिया कि यहां पर ये है ए। सो यहां पर इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये हमने मान लिया कि यह है ए। तो अब इस कंडक्टर के अंदर हमें पता है कि बहुत बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसके अंदर जो है इसके अंदर कुछ इस तरह से बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब कि ये जो है ये न्यूक्लियस के साथ बाउंड नहीं होता है, एटम में से ये बाहर निकल जाता है और ये फ्री हो जाता है, तो ये रेंडम वेलोसिटी के साथ जो है ये मूव करता है। तो हमें पता है कि ये जो करंट होता है, ये जो करंट होता है आई, ये बराबर होता है कि इस कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन को एक सेकंड में जितना चार्ज पार करेगा वो, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जितना चार्ज जो है किसी भी क्रॉस सेक्शन को पार करेगा डिवाइडेड बाय जितने टाइम में पार करेगा, तो क्यू डिवाइडेड बाय टाइम, ये होता है करंट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस कंडक्टर को जोड़ देंगे एक एक्सटर्नल एजेंट के साथ, दैट मीन हम एक बैटरी के साथ जोड़ देंगे। सो हमने इसे जोड़ दिया एक बैटरी के साथ, और ये जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है इसे हमने जोड़ दिया कंडक्टर के इस साइड से, ये हो गया बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये हो गया बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। जैसे हमने एक बैटरी को जोड़ा यहां पर, वैसे ही देखिए इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इस डायरेक्शन में बनेगा। सो यहां पर ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इसके अंदर, इस कंडक्टर के अंदर, वैसे ही देखिए तो हर एक इलेक्ट्रॉन पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होगा। सो हर एक इलेक्ट्रॉन पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होगा, और जैसे ही हर एक इलेक्ट्रॉन पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होगा, वैसे ही ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ जो है इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। तो हमने ये मान लिया कि ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये है वी डी। सो इसी वेलोसिटी के साथ हर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जब ये अंत वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला जब इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन को पार करेगा, तब तक ये सारे इलेक्ट्रॉन जो कि इसके आगे हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन को पार कर गए होंगे। देखें एक बार मोशन कैसा हो रहा है, मोशन यहां पर कुछ ऐसा हो रहा है। सो मोशन जो है यहां पर कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसे ये सारे इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जो है यहां पर ये मूव कर रहे हैं। तो जब ये अंत वाला इलेक्ट्रॉन देखें इस क्रॉस सेक्शन को पार कर रहा है, तब तक ये सारे इलेक्ट्रॉन देखें इसे पार कर गए हैं। इसका मतलब कि अगर हम ये पता कर लें कि ये जो टोटल चार्ज आपको दिख रहा है इस कंडक्टर के अंदर है, जो कि इस क्रॉस सेक्शन को पार कर रहा है, उसी में हम डिवाइड कर दें जितने टाइम में पार कर रहा है, तो हमें जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में रिलेशन पता चल जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस कंडक्टर में टोटल चार्ज कितना है। तो इसके लिए हम ये मान लेते हैं, हम यहां पर ये मान लेते हैं कि यहां पर जो है ये एक यूनिट वॉल्यूम है। सो यहां पर ये एक मान लेते हैं कि यूनिट वॉल्यूम है, और इस यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है वो है एन। सो यहां पर ये हो गया एन, हमने मान लिया एन क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अर्थात यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो हमने मान लिया, जो कि है हमने मान लिया यह है एन। तो अगर यूनिट वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन हुआ, उसी को अगर हम इस कंडक्टर के
टोटल वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें यह पता चल जाएगा कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, टोटल इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो पता चल जाएगी। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि इसका, इस कंडक्टर का जो वॉल्यूम होगा, जो वॉल्यूम होगा ये बराबर होगा इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इनटू यहां पर इसका जो ये लेंथ है वो, सो ए इनटू एल। ये क्या हो गया, ये इस कंडक्टर का वॉल्यूम हो गया। अगर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो अगर एन है तो फिर इतने वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ऑब्वियस सी बात है हम इसी में एन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन होगा, टोटल टोटल इलेक्ट्रॉन्स ये बराबर होगा, ये बराबर होगा एन एन ए एल के। तो अगर हर एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो अगर माइनस ई होता है तो फिर हम वहां से ये कह सकते हैं कि इतने इलेक्ट्रॉनों पर जो चार्ज होगा उसके लिए हम इसी में माइनस ई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि टोटल चार्ज, टोटल टोटल चार्जेज जिसे कि हम चलिए Q से डिनोट करेंगे, ये बराबर होगा माइनस ई एन ए एल के। हमने क्या किया, हमने इसी में माइनस ई से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें ये टोटल चार्ज पता चल गया जो कि इस कंडक्टर के अंदर है। और यही टोटल चार्ज जो है इस क्रॉस सेक्शन को पार कर रहा है। कब, जब ये अंत वाला इलेक्ट्रॉन जो है इस क्रॉस सेक्शन को पार कर जाएगा तब हम कहेंगे कि ये टोटल चार्ज जो है इस क्रॉस सेक्शन को पार कर गया। तो अब देख लेते हैं कि ये जो टोटल चार्ज इस क्रॉस सेक्शन को पार कर रहा है वो कितने टाइम में पार कर रहा है। जैसा कि हमें पता है कि जो वेलोसिटी होता है, जो वेलोसिटी होता है ये बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम के। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो टाइम होता है ये बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी के। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो अंत वाला इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी के साथ मूव कर रहा है और एल लेंथ को पार करने में देखें कितना टाइम लगेगा। हम ये मान लेते हैं कि जो टाइम लगा इस अंत वाले इलेक्ट्रॉन को जो है इस क्रॉस सेक्शन को पार करने में, अर्थात यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगा वो अगर हम मान लेते हैं कि वो है टी, तो हम इस फार्मूले से ये कह सकते हैं कि यहां से यहां तक का ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो डिस्टेंस तय करेगा, जो कि होगा एल के बराबर। तो यहां पर ये हो गया एल डिवाइडेड बाय जिस वेलोसिटी के साथ ये मूव किया जो कि है यहां पर वी डी। तो ये हो गया टाइम। तो इतने टाइम में ये अंत वाला इलेक्ट्रॉन जो है इस क्रॉस सेक्शन को पार किया और उसी समय हम ये कह देंगे कि उतने ही टाइम में ये जो है ये सारा का सारा जो चार्ज है वो इस क्रॉस सेक्शन को पार कर गया है। क्यों, क्योंकि जब तक ये इलेक्ट्रॉन जो है इतने टाइम में इस क्रॉस सेक्शन को पार करेगा तब तक ये सारे इलेक्ट्रॉन इसे पार कर गए होंगे। तो हमें ये पता चल गया कि ये जो टोटल चार्ज है ये जो कि इस क्रॉस सेक्शन को पार किया और कितने टाइम में पार किया वो भी हमें पता चल गया जो कि है कुछ इसके बराबर एल डिवाइडेड बाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। तो अब हम यहां से ये कह सकते हैं कि ये जो करंट होगा, ये जो करंट होगा आई ये बराबर होगा क्यू की जगह पर हम ये जो टोटल चार्ज है ये रखेंगे। सो यहां से ये हो गया माइनस ई एन ए एल डिवाइडेड बाय कितने टाइम में इस क्रॉस सेक्शन को ये टोटल जो चार्ज है ये पार किया जो कि यहां पर हमने बात किया है कि ये है एल बाई वी डी के। तो यहां पर ये हो गया एल एल बाई वी डी के। सो यहां से ये जो एल है ये इस एल को कैंसिल कर देगा और वी डी यहां से ऊपर चला जाएगा। तो यहां से हम ये कहेंगे कि ये जो करंट है, ये जो करंट आई है ये बराबर होगा माइनस ई एन ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी के। तो ये होता है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन। ध्यान से देखें तो यहां पर एक नेगेटिव साइन आया है, ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें ये बता रहा है कि ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये जिस डायरेक्शन में होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये करंट फ्लो करेगा।
अगर आप देखें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यह है डायरेक्शन, और करंट देखें तो करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहां पर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय।